नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत। कल G20 में बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पहली बार एक दूसरे से मिलेंगे। इस मुलाकात में एक रिपोर्ट पर सबसे ज्यादा चर्चा हो सकती है। ये वो रिपोर्ट है जिस पर पिछले काफी वक्त से पेंटागन में मंथन हो रहा है। इस रिपोर्ट में कुछ ऐसा है जिसने अमेरिका में पैनिक क्रिएट कर दिया है। इसका असर पूरी दुनिया में पड़ सकता है। इस वक्त हर कोई रूस यूक्रेन वॉर की बात कर रहा है, लेकिन ऐसी जंग शुरू हो चुकी है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, मगर ये कई गुना ज्यादा खतरनाक है। पूरी रिपोर्ट में पूरी डिटेल आप देखिए और समझिए। साल 2006, जब आखिरी बार परमाणु टेस्ट की ब्रेकिंग न्यूज दुनिया में चली थी। 16 साल बाद आज न्यूक्लियर वॉर की वर्ल्ड हेडलाइंस बन रही हैं। इस दुनिया के 5 न्यूक्लियर ट्रिगर पॉइंट हैं, जिसमें 2 एक्टिव हैं, जहां कभी भी परमाणु हमला हो सकता है किसी भी वक्त। यूक्रेन पर रूस परमाणु हमले की धमकी बार बार दे रहा है। चीन जिस तरह ताइवान को बार बार धमका रहा है, उससे दुनिया में न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ गया है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की तनातनी कभी भी परमाणु जंग में बदल सकती है। ईरान और इजराइल की दुश्मनी भी न्यूक्लियर वॉर की वजह बन सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान भी हिंदुस्तान के खिलाफ लगातार न्यूक्लियर साजिशें जुटा रहा है। दुनिया के अलग अलग कोनों पर मंडराते न्यूक्लियर वॉर के इन्हीं थ्रेट्स पर 20 देशों का समूह G20 भी चर्चा करने वाला है। We've been very transparent about our concern in North Korea that the DPRK would conduct its 7th nuclear test at some point in this broader time frame. And by broader, I mean we've been talking about this now for a couple of months. That window still remains open. Our concern still remains real. Whether it happens in the next week or not, I can't say. We are also concerned about further potential long-range missile tests in addition to the possibility of a nuclear test. अमेरिका में न्यूक्लियर वॉर को लेकर कितना डर है, इसका अंदाजा अमेरिका के एक बड़े न्यूज़पेपर की हेडलाइन से लगा सकते हैं। इसमें समझाया गया है कि अगर दुनिया में किसी हिस्से में परमाणु बम फटा तो कैसे बचेंगे। परमाणु युद्ध, ये शब्द क्यों डरा रहा है, इसका खतरा कितना बड़ा है, उसे रूस के इस टीसार बम के इस धमाके से समझ सकते हैं। आज से 61 साल पहले रूस ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु बम का परीक्षण किया। बस एक प्रेस रिलीज जारी करके ये बात बताई गई, लेकिन इसका ओरिजिनल वीडियो 2020 में जारी किया गया। तब दुनिया समझ पाई कि पल भर में नस्लें खत्म कर देने वाला यह हथियार कितना विनाशक है। रूस का अकेला एक एटम बम टीसार यूक्रेन छोड़िए पृथ्वी के विनाश के लिए बहुत है। इसका एहसास अमेरिका को भी है, फ्रांस को भी है, यूरोप के हर एक देश को है। इसलिए अमेरिका और रूस बैकडोर से परमाणु खतरे को टालने की कोशिशों में भी जुटे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी पुतिन को समझा चुके हैं। पुतिन ने भी कहा है न्यूक्लियर वॉर से जितनी दूरी हो सके वो बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन दुनिया को इस वक्त रूस से नहीं बल्कि चीन से सबसे ज्यादा टेंशन है। वो चुपचाप बिना शोर के एक ऐसे मिशन में जुटा है जिसका अंजाम सर्वनाश होगा। इस तनाव भरे माहौल में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिल रहे हैं। No, Xi Jinping. I spend more time than any other world leader. I know him well. He knows me. There's no, we have very little misunderstanding. We just got to figure out where the red lines are and what are the most important things to each of us going into the next 2 years. And his circumstances changed, to state the obvious, at home. And so I've always had straightforward discussion. परमाणु जंग के खतरे को लेकर दुनिया डरी है, और इस डर को जरूरत से ज्यादा बढ़ा रहा है चीन।
दावा किया जा रहा है कि चीन अगले 8 सालों में इतने न्यूक्लियर हथियार बना लेगा जिसकी उम्मीद न तो अमेरिका को थी और न ही दुनिया को। एक इंटरनेशनल एजेंसी के मुताबिक साल 2011 में चीन के पास 206 न्यूक्लियर वेपन्स थे, जो 2016 में बढ़कर 218 हो गए। 2021 में चीन के परमाणु हथियारों की संख्या 272 पहुंच गई। अब आशंका जताई जा रही है कि चीन 2027 में अपने परमाणु हथियारों की गिनती 700 पहुंचा देगा और फिर 2030 में ये आंकड़ा तेजी से बढ़कर 1000 पहुंच जाएगा। चीन का यही न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि अब उसे रूस से हर मोर्चे पर चुनौती मिलती रही है। मगर 2030 तक चीन भी उस हालात में पहुंच जाएगा जहां वो भी परमाणु धमकी देने पर उतर सकता है। The theme of the NDS is the need to sustain and strengthen US deterrence with the People's Republic of China as our pacing challenge. At the same time, the NDS bluntly describes Russia as an acute threat. And we chose the word acute carefully. Unlike China, Russia can't systemically challenge the United States over the long term. चीन ने 1976 में 4 मीट्रिक टन की क्षमता वाले परमाणु बम का परीक्षण किया था और फिर 1992 में यह क्षमता 1000 किलो टन तक पहुंच गई। ड्रैगन की इस गुपचुप रणनीति पर शी जिनपिंग भी काम करते रहे और माना जा रहा है कि अब चीन उस रणनीति पर काम कर रहा है जिसके तहत काउंटर भी किया जा सके। चीन का पहला परमाणु सिद्धांत है सेल्फ डिफेंस का, दूसरा परमाणु सिद्धांत है परमाणु खतरे को टालने का, तीसरी रणनीति के तहत जवाबी हमले वाले न्यूक्लियर वेपन तैयार करना और चौथा सिद्धांत है परमाणु हथियारों की तादाद जरूरत के मुताबिक बढ़ाना। दावा किया जाता है कि चीन के पास ऐसे परमाणु हथियार हैं जो दुनिया में तबाही मचा सकते हैं, मगर उसके पास ऐसे न्यूक्लियर हथियारों की कमी है जो जवाबी हमले के तौर पर काम आ सकें, और यही वो कमजोरी है जिसे चीन दूर करने में लगा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर इसमें भी उसे महारत हासिल कर ली तो रूस और अमेरिका के बाद चीन एशियाई मुल्कों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। दुनिया में इस वक्त देखिए 9 ऐसे देश हैं जो परमाणु हथियार संपन्न देश हैं, या यूं कहें कि परमाणु हमला करने की क्षमता रखते हैं। एक अनुमान के अनुसार इन परमाणु हथियारों की संख्या मौजूदा वक्त में 13,000 से ज्यादा है। अब आप ग्राफिक्स के माध्यम से जरा समझिए इसे विस्तार से। सबसे ज्यादा परमाणु हथियार बताए जाते हैं रूस के पास। रूस ने अब तक 6,257 हथियार अपने न्यूक्लियर जखीरे में जमा कर रखे हैं। इसके बाद नंबर आता है यूएस का, सुपर पावर अमेरिका का। अमेरिका के परमाणु हथियारों की संख्या 5,550 बताई जाती है, यानी एक तरह से कहें तो दुनिया के 90% परमाणु हथियार इन्हीं दोनों देशों के पास हैं। परमाणु हथियारों के मामले में देखिए तीसरे नंबर पर चीन है। चीन के न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या 350 बताई जाती है। हालांकि दावा यह भी किया जाता है कि यह आंकड़ा इससे ज्यादा हो सकता है। फ्रांस की बात कर लेते हैं। फ्रांस भी न्यूक्लियर रेस में चौथे नंबर पर है। फ्रांस के पास दुनिया में तबाही मचाने वाले इन हथियारों की संख्या 290 है। ब्रिटेन भी परमाणु हथियारों की रेस में खुद को पीछे नहीं रखना चाहता। एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन के पास मौजूदा वक्त में 225 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इसके बाद पड़ोसी मुल्क हम पाकिस्तान की जरा बात कर लेते हैं। पाकिस्तान भी इस फहरिस्त में शामिल है। पाकिस्तान ने चोरी छिपे कई परमाणु परीक्षण किए और इनकी संख्या 165 पहुंचा दी है। हालांकि इस लिस्ट में भारत पाकिस्तान से पीछे है। भारत के पास फिलहाल 156 परमाणु हथियार। हालांकि हिंदुस्तान की न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर पॉलिसी है कि पहले हमला नहीं करेंगे और इस पर भारत कायम है। अब इसराइल की बात करते हैं। इसराइल के विनाशक जखीरे में 90 परमाणु हथियार आते हैं। इन्हीं हथियारों के दम पर इसराइल ईरान को वक्त वक्त पर धमकी देता है। नॉर्थ कोरिया के पास भी परमाणु हथियार हैं। इनकी संख्या 40 से 50 बताई जाती है। हालांकि इसे लेकर हमेशा संदेह रहा है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने कई ऐसे परीक्षण करने का दावा किया जो बाद में झूठे साबित हुए। सबसे ज्यादा देखिए एटमी हथियार रूस के पास है। रूस के 1000 से ज्यादा रेडी टू लॉन्च हैं। क्या पुतिन इन्हें लॉन्च करने के ऑर्डर देंगे या मान जाएंगे?
इस सवाल ने सबको परेशान कर रखा है क्योंकि पिछले 24 घंटे में जो फैसला पुतिन ने किया है, जिस हथियार को वो बैटल ग्राउंड में भेजने वाले हैं, वो न्यूक्लियर वॉर का इशारा कर रहा है। परमाणु हमला करने में सक्षम ये मिसाइल कौन सी है और कितनी तबाही मचा सकती है, ये सब कुछ आपको हम इस रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। पुतिन की इस मिसाइल का नाम है ज़िरकान और मिसाइल के धमाके से पुतिन यूरोप को गहरा सदमा देने वाले हैं। खेरसान की खुशी में डूबे ज़ेलेंस्की की नींद, पुतिन का यह हथियार छीन लेगा। यूक्रेनी मीडिया का दावा है कि पुतिन अब भी फ्रंट फुट पर खेलने को तैयार है और इसलिए ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल का ऑर्डर दिया है जो सिर्फ चीथड़े उड़ाना जानती है, या यूं कहें पल भर में सब कुछ खाक कर देने की क्षमता है इसमें। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की नेवी को जल्द ही ज़िरकान मिसाइल की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। 2023 की शुरुआत में रूस ज़िरकान मिसाइल का इस्तेमाल भी कर सकता है। यूक्रेन के इस दावे पर यकीन करें तो जंग 2022 में शुरू हुई थी, वो 2023 में और भयानक शक्ल अख्तियार कर सकती है क्योंकि यह मिसाइल परमाणु हमला करने में सक्षम है। और ऐसी एक नहीं बल्कि एक दर्जन से ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइल ज़िरकान का पुतिन ने ऑर्डर दिया है। इसी साल 28 मई को रूस ने ज़िरकान मिसाइल को बैरेंट सी से लॉन्च किया और इससे 1000 किलोमीटर दूर सफेद सागर के टारगेट को ध्वस्त कर दिया। पुतिन को अपनी इस हाइपरसोनिक मिसाइल पर बहुत भरोसा है। कहते हैं अगर इसे जंग में उतार दिया जाए तो समझो यूक्रेन का खेल खलास हो जाएगा। इस मिसाइल की रफ्तार 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये ध्वनि की रफ्तार से भी कई गुना तेज गति से दुश्मन पर हमला बोलने में सक्षम है। ये मिसाइल 300 से 400 किलोग्राम वॉरहेड अपने साथ ले जा सकती है। पुतिन की इस हाइपरसोनिक मिसाइल को कई तरह के स्टेलथ फीचर से लैस किया गया है। जब आखिरी बार इसका परीक्षण किया गया तब रूस ने 1000 किलोमीटर तक टारगेट को ध्वस्त करने का दावा किया, मगर बताया जा रहा है कि अब पुतिन की यह मिसाइल 1500 किलोमीटर की दूरी तक तबाही मचा सकती है। दुश्मन का जहाज हो या फिर जमीन पर मौजूद कोई टैंक, ज़िरकान के आगे सबका वजूद मिट जाता है। कहते हैं कि ज़िरकान की इसी रफ्तार की वजह से यह दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे देती है। माना जा रहा है कि पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ रशियन नेवी को ही सबसे ज्यादा मिसाइलें दी और अब ज़िरकान को यूक्रेन या फिर यूरोप के खिलाफ उतार दिया तो परमाणु युद्ध का बिगुल बज सकता है। पुतिन के बारे में कहते भी हैं उन्हें हार से नफरत है, वो कतई बर्दाश्त नहीं करते इसे और रूस यूक्रेन की बाजी को ज़िरकान की दम पर पलट सकता है। बस इंतजार उस वक्त का है जब रूस का ये महाविध्वंसक परमाणु हथियार उसके जहाज पर तैनात होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। वॉर का पांचवा ट्रिगर पॉइंट एक्टिव हो सकता है और इस बार ईरान परमाणु हथियार बनाने में एकदम करीब पहुंच चुका है। ईरान के इस कदम का सीधा असर इजराइल और अमेरिका पर पड़ेगा। ईरान की रणनीति क्या है, कैसे खाड़ी देशों में हलचल मची है, वो अब आपको दिखाते हैं। दस नवंबर को ईरान से आई खबर ने दुनिया में हड़कंप मचा दिया। दावा किया गया कि ईरान से ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की गई है जो किसी भी डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। इससे ठीक अगले दिन संयुक्त राष्ट्र ने ईरान के परमाणु प्लान को लेकर चिंता जता दी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल ने कहा
हम सब देख रहे हैं, ध्यान खींचने के लिए अनाउंसमेंट की जा रही है, जो बहुत ही चिंता की बात है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ऐसा ही अटेंशन पाने वाला है। इससे पहले ईरान ने अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान घायम 100 का टेस्ट किया तो अमेरिका ने इसे तबाही करने वाला करार दिया था और फिर बाद में इसराइल ने भी आपत्ति जताई थी, मगर ईरान के राष्ट्रपति रईस इसके बाद भी चुप नहीं बैठे रहे। उन्होंने इसराइल को एक तरह से चैलेंज कर दिया और उसकी वजह है ईरान का परमाणु प्लान। IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है। उसके पास यूरेनियम का भंडार 3 महीने में 267 किलो से बढ़कर 3674 किलोग्राम पहुंच चुका है। अब ईरान को केवल 267 किलोग्राम यूरेनियम की और जरूरत है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि अगर ईरान बहुत जल्द इसमें कामयाब हो गया तो कम से कम एक परमाणु बम बना सकता है और फिर ऐसा करके वो दुनिया का 10वां मुल्क बन जाएगा। ईरान का इस ओर कदम बढ़ाना इसलिए डरा रहा है क्योंकि वो बार बार अपनी मिसाइल या डिफेंस सिस्टम के टेस्ट के जरिए इसराइल को चेतावनी देता है, अमेरिका को चैलेंज करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और अब वक्त है आज की स्पेशल रिपोर्ट का। यूक्रेन के वॉर जोन में अचानक नई टेंशन पैदा हो गई है। खबर क्रेमलिन के सबसे क्रूर प्लान की है जिसका अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है। व्लादिमीर पुतिन का वो प्लान क्या हो सकता है, इसे आप हमारी एक्सक्लूसिव वॉर रिपोर्ट को देखने के बाद पूरी तरह से समझ पाएंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध में रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का ब्रेन 360 डिग्री तक घूम चुका है। ऐसे में वर्ल्ड वॉर का सबसे नया जोन कभी भी ओपन हो सकता है। क्रेमलिन का सबसे क्रूर प्लान, बहुत जल्द खतरनाक अंजाम। वार जोन में नई टेंशन, टारगेट कीव टू वॉशिंगटन। तीन सौ साठ डिग्री घुमा पुतिन का ब्रेन, वर्ल्ड वॉर का नया जोन। यूक्रेन के खेरसान से रूस की सेना पीछे क्या हटी, अमेरिका और रूस के देश इसे व्लादिमीर पुतिन की हार का सबूत बताने में जुट गए। लेकिन दो कदम पीछे हटकर दुश्मन की गर्दन पर डायरेक्ट वार कैसे करते हैं, पुतिन से बेहतर कौन जानता है। तभी तो रूसी फोर्स का यूक्रेनी टारगेट पर अटैक नॉनस्टॉप जारी है। आलम यह है कि खेरासान को लेकर व्लादिमीर पुतिन अपने ही देश में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। यहां तक कि यूक्रेन पर अटैक की स्क्रिप्ट लिखने वाले और व्लादिमीर पुतिन के दिमाग कहे जाने वाले अलेक्जेंडर दुगिन भी खेरासान छोड़ने को लेकर रूसी आर्मी से खफा हैं। पुतिन के आध्यात्मिक गुरु और उनके दिमाग की नाराजगी की कहानी बाद में। पहले आपको रूस से आया एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाते हैं जो सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर यकीन करें तो सड़क पर उमड़ी भीड़ पुतिन से रूस की सबसे शक्तिशाली मिसाइल सरमट से अमेरिका पर अटैक करने की अपील कर रही है। इस वीडियो, इस प्रोटेस्ट का बाकी हिस्सा आगे दिखाएंगे। अभी आपको सरमट मिसाइल की ताकत के बारे में बता देते हैं। यूक्रेन से युद्ध के बीच ही अप्रैल में रूस ने सरमट मिसाइल का टेस्ट कर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल सरमट
इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल 2 टन से ज्यादा वजन के हथियार और न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने में सक्षम है। सरमट एक साथ 10 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जा सकती है। पावरफुल मिसाइल धरती के किसी भी कोने में अटैक करने में सक्षम है। ऐसे में सरमट रडार और ट्रैकिंग सिस्टम के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। सरमट मिसाइल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को भी ले जाने की ताकत रखती है। तो रूस के लोग इस मिसाइल से वॉशिंगटन को टारगेट करने की मांग कर रहे हैं, अमेरिका को दुश्मन मुल्क करार दे रहे हैं। अमेरिका और रूस में यूक्रेन युद्ध को लेकर टेंशन और तनातनी दुनिया से छिपी नहीं है। वर्ल्ड वॉर के डर से जो बाइडेन अमेरिकी फोर्स को भले यूक्रेन में सीधे उतारने की जहमत नहीं उठा रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से यूक्रेन की सेना को अमेरिकी हथियार की सप्लाई भी लगातार जारी है। हकीकत यही है कि अगर नाटो देशों का साथ ना होता, अमेरिका की वेपन्स की सप्लाई ना होती, तो यूक्रेन का वजूद कब का मिट चुका होता। यही वजह है कि अब रूसी जनता पुतिन से सीधे अमेरिका को टारगेट करने की मांग कर रही है। खेरसान खाली करने से खफा आम रूसी ही नहीं बल्कि कट्टर पुतिन समर्थक भी हैं। ऐसे में अब पुतिन पर डू और डाई जैसा प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इसमें जो शातिरपन, जो छल और जो इसमें धोखा नजर आता है, उकसाने वाला जो बर्ताव नजर आता है, वो केवल अमेरिका का नजर आता है। इसलिए ये लाजिम है कि रूस के लोग और दुनिया के और लोग भी ये मानने लगे हैं कि अमेरिका को कंट्रोल करना चाहिए और रशिया इस कैपेसिटी में है। तो शायद इस वजह से रूस के लोग कह रहे हैं कि डायरेक्टली अमेरिका के ऊपर अटैक करें। इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स में दावे तो यहां तक हैं कि पुतिन के सबसे बड़े करीबियों में शुमार और यूक्रेन में हमलों के सबसे बड़े पैरोकार अलेक्जेंडर दुगिन भी खेरसान के दाव से बेहद नाराज हैं। पुतिन का ब्रेन कहे जाने वाले और कट्टर राष्ट्रवादी अलेक्जेंडर दुगिन तो यहां तक कह चुके हैं कि जो रूसी खेरासोन में आर्मी के सरेंडर से नाखुश नहीं है, वो सच्चे रूसी है ही नहीं। बल्कि दुगिन की नाराजगी को लेकर तो दावा यहां तक किया जा रहा है कि दुगिन ने पुतिन की प्रेसिडेंटी गद्दी से बेदखल और उनकी मौत तक की आशंका जता दी है। शायद यही वजह है कि पुतिन के ऑर्डर पर रूसी फोर्स ने यूक्रेनी टारगेट्स पर एक बार फिर से अटैक तेज कर दिया है। पुतिन ने अपने डेंजरस गेम प्लान से एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हार नहीं, और यूक्रेन से हार तो किसी कीमत पर नहीं। ऐसे में डोनबास में पुतिन ने ऐसा खतरनाक जंगी खेल दिखाया कि पूरे यूक्रेन में कोहराम मच गया। इन तस्वीरों को देखिए। मल्टीपल बैरल सिस्टम से एक के बाद एक दनादन मिसाइलें दागी जा रही हैं, और इन सब मिसाइलों का निशाना यूक्रेन की सेना है। एक के बाद एक जाने कितनी मिसाइलें दागी गई। जिस शहर पर ये मिसाइलों की बारिश हुई, उस शहर का क्या हर्षु होगा, अंजाम का अंदाजा भी डराने वाला है। एक तरफ यूक्रेन में हमले तेज हैं, तो दूसरी तरफ पुतिन ने एक और बड़ा फैसला लिया है। व्लादिमीर पुतिन ने 30 साल में पहली बार रूस के स्कूलों में मिलिट्री ट्रेनिंग जरूरी कर दी है। सोवियत शासन के वक्त का ये स्कूली प्रोग्राम शीत युद्ध की समाप्ति के बाद 1993 में रोक दिया गया था। ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक रूस के स्कूलों में मिलिट्री ट्रेनिंग का पुराना सिलेबस सितंबर 2023 से फिर लागू हो जाएगा।
इस प्रोग्राम के तहत रूस के स्कूली बच्चों को केमिकल और न्यूक्लियर अटैक जैसे हालात से वाकिफ कराया जाएगा। साथ ही उन्हें क्लाश्निकोव राइफल जैसी घातक हथियार की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बहुत सारे ऐसे देश नहीं है जो अपने यहाँ मिलिट्री ट्रेनिंग को कंपलसरी करते हैं, जिनमें यूनाइटेड किंगडम भी शामिल है जो सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है रूस का। लिहाजा रूस के यहाँ मिलिट्री ट्रेनिंग का कंपलसरी होना उसकी कमजोरी का सबूत नहीं है। क्या हम दूसरे देशों में जहाँ मिलिट्री ट्रेनिंग होती है उनको ये कहेंगे कि ये डरे हुए हैं, कमजोर हैं, इसलिए स्कूलों में मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी कर रखती है? नो। वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट्स में तो यूक्रेन युद्ध में रूसी नौजवानों को जबरन सेना में भर्ती करने के दावे भी किए गए। यूक्रेन की सरकार और मीडिया भी खुद से कई गुना ज्यादा रूसी सैनिकों के मारे जाने के दावे करती है। इसमें कोई शक नहीं है कि करीब 9 महीनों से जारी जंग में यूक्रेन करीब करीब तबाह हो चुका है। इस दौरान रूस का भी बेशक बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन खेरसान से रूसी आर्मी की वापसी पुतिन के प्लान का हिस्सा है या फिर नाकामी, रियल पिक्चर अब तक साफ नहीं हो पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। रूस और यूक्रेन की जंग में साइकोलॉजिकल वॉर भी जारी है। खरसोन दोबारा हासिल करने के बाद यूक्रेनी फोर्स ने बहुत बड़ा दावा किया है। उसने रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया। क्या दावे किए जा रहे हैं, हम आंकड़ों के साथ आपको बताते हैं। यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि 80,860 सैनिक मार गिराए हैं, टैंक तबाह किए गए 2,840, 5,742 बख्तरबंद गाड़ी बर्बाद की गई है, 1,837 आर्टिलरी तबाह की गई, 393 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को बर्बाद किया गया, 206 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किए गए। ये दावे यूक्रेन कर रहा है। कितनी तबाही यूक्रेन की तरफ से हुई है, इस बाबत दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया गया, 206 सिस्टम बताए जा रहे हैं, 278 मिलिट्री जेट गिरा दिए गए, 261 हेलीकॉप्टर गिराए गए, वहीं 1,506 ड्रोन तबाह कर दिए गए, 399 क्रूज मिसाइल नाकाम रही हैं। मतलब जो रूस की साजिश थी उसमें रूस सफल नहीं हो पाया। 16 वॉरशिप और बोट तबाह की गई, वहीं 4,295 मिलिट्री व्हीकल बर्बाद कर दिए यूक्रेन ने, वहीं 160 स्पेशल उपकरणों की बर्बादी यूक्रेन की तरफ से की गई है। तो जो स्पेशल उपकरण बर्बाद किए गए उसकी संख्या 160 है। ये दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस का कितना नुकसान पहुंचाया। रूसी सेना के खेरसोन खाली करने की वजह से व्लादिमीर पुतिन खुद अपने देश को लेकर दुनिया भर के देशों के टारगेट पर हैं। कोई इसे रूस की हार बता रहा है तो कोई पुतिन का नेक्स्ट प्लान बता रहा है। हकीकत क्या है ये तो खुद पुतिन ही जानते हैं। लेकिन अब खेरसोन से जो टॉर्चर चैम्बर का मंजर सामने आया उससे पुतिन दुनिया भर के निशाने पर आ गए। पुतिन के सैनिकों का कहर, यूक्रेन में तबाह कई शहर, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जिस फौज के दम पर यूक्रेन फतह करने निकले थे उस सेना की हरकत अब पुतिन के गले की फांस बन सकती है। जंग का मैदान, दरिंदगी के निशान, महायुद्ध की डरा देने वाली तस्वीर। खेरसोन में मिला टॉर्चर चैम्बर। रूस ने ना सिर्फ यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचाई है बल्कि अब उसे यूक्रेन के लोगों को टॉर्चर करने का भी इल्जाम झेलना पड़ रहा है, क्योंकि यूक्रेन ने रूसी फौज की बर्बरता पर बहुत बड़ा दावा किया है। जंग के मैदान में पुतिन के लड़ाकू किस कदर दरिंदगी पर उतरे होंगे, यूक्रेन के खेरसोन से सामने आई ये तस्वीरें चीख चीख कर बयां कर रही हैं।
सबसे पहले इस कमरे की तस्वीर देखिए, इसके साथ कमरे में बिखरा सामान भी देखिए। कमरे में कुछ कपड़े दिखाई पड़ रहे हैं। यूक्रेन की सेना ने ये तस्वीरें जारी की हैं और आरोप लगाया है कि रूस की सेना ने माइकोलिव में लोगों पर बेइंतहा टॉर्चर किया ताकि यूक्रेन के खिलाफ अपनी फेल होती चाल को किसी तरह कामयाब बना सके। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सैनिकों ने लोगों को लंबे समय तक कमरे में बंद रखा और यातनाएं दी। यूक्रेन ने रूस की फौज को वॉर क्रिमिनल करार दिया है। खेरसोन से क्रूरता की एक और तस्वीर सामने आई। यूक्रेन का दावा है कि उसने बेरिस्लाव में रूसी सैनिकों के टॉर्चर के एक और अड्डे का पता लगाया है। इतना ही नहीं, यूक्रेनी सैनिकों को यहां से रूस सेना की हैवानियत के सबूत मिले हैं। दावा किया जा रहा है कि टॉर्चर चैम्बर से 3 लोगों के कंकाल बरामद किए गए हैं। यूक्रेन का आरोप है कि रूस के सैनिकों ने पहले लोगों को बुरी तरह से यातनाएं दी और फिर उसके बाद मार डाला। खेरसोन में रूस की सेना के पीछे हटने के बाद यूक्रेन की सेना ने इलाके को दोबारा अपने कब्जे में ले लिया है और जैसे जैसे यूक्रेनी फौज आगे बढ़ रही है उसे तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। बर्बाद इमारतें और बिलखते लोग मिल रहे हैं, साथ ही मिल रहे हैं दरिंदगी के सबूत। यूक्रेन में इससे पहले भी बर्बरता के कई सबूत सामने आ चुके हैं। कुछ वक्त पहले खार्कीव में भी यूक्रेन के नागरिकों को टॉर्चर करने के आरोप लगे थे और उस वक्त भी रूसी सैनिकों को ही दरिंदगी का जिम्मेदार बताया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। रूसी फोर्स ने एक बार फिर से यूक्रेन में तबाही का नया चैप्टर खोल दिया है। नई वॉर एक्सरसाइज के साथ नए अटैक भी शुरू कर दिए हैं। इन सब के बीच बड़ी बात यह कि यूक्रेन युद्ध में क्या कोई तीसरा देश है जो युद्ध के हालात का फायदा उठा रहा है? इसे समझने के लिए आप अगली रिपोर्ट आप देखिए। खेरसान छोड़ने और इसे लेकर रूस में घिरने के बाद पुतिन की आर्मी ने यूक्रेन पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। यूक्रेनी फोर्स के काफिले पर रूसी सेना ने घातक हमला किया है। इस हमले में यूक्रेन के कई टैंक तबाह हो गए हैं। रूसी फोर्स ने T-72 B-3 से अटैक किया तो यूक्रेन के कई फायरिंग पॉइंट और बख्तरबंद वाहन बर्बाद हो गए। इस हमले से पहले रूसी कमांडर्स ने बकायदा ड्रोन से पूरी जानकारी भी जुटाई थी। यूक्रेन के खिलाफ रूस की एयर स्ट्राइक भी तेज हो गई है। यूक्रेन में एक बार फिर से रूस ने सुखोई SU-35S फाइटर प्लेन एक्शन में है। रूसी लड़ाकू विमान दुश्मन के ठिकानों पर लगातार मिसाइल बरसा रहे हैं। इस दौरान यूक्रेनी सेना के तमाम बंकर ध्वस्त हो गए हैं। रूस का ये फाइटर जेट कितना पावरफुल है आपको वो भी बताते हैं। सुखोई SU-35S में 2 थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन लगे हैं। इसमें वेपन हार्ड पॉइंट्स 12 हैं। इसकी टॉप स्पीड 2.25 मैक है। अधिकतम ऊंचाई 60,000 फीट है तो अधिकतम पेलोड 8,000 किलो है। इस लड़ाकू विमान का अधिकतम टेक ऑफ वजन 34,500 किलो है। सिंगल फ्यूलिंग में ये 2,200 मील की दूरी तय कर सकता है तो एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक की मदद से ये फाइटर जेट 2,800 मील की दूरी तय करने की ताकत रखता है। सुखोई SU-35S रूस के आसमानी हथियारों का वो ब्रह्मास्त्र है जो दुश्मन के खेमे में खलबली मचाने का मादा रखता है। ये चौथी पीढ़ी का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान है। ये फाइटर प्लेन आधुनिक हथियारों से लैस है। सुखोई दुश्मन की मिसाइल को चकमा देने में माहिर है। इसकी उड़ान क्षमता अमेरिकी F-22 जैसी है जबकि रफ्तार F-35 और F-16 से भी तेज है। रूस यूक्रेन जंग के बीच आज एक और बड़ी खबर आई। रूस ने यूक्रेन पर नए हमले की बड़ी तैयारी की है। इस कड़ी में रूसी रिजर्व फोर्स ने युद्ध अभ्यास तेज कर दिया है। जाहिर है ये जबरदस्त युद्ध अभ्यास ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग, टारगेट पर बमबारी, फायरिंग प्रैक्टिस, होविट्जर से बमबारी यूक्रेन के लिए टेंशन का सबब है।
क्योंकि यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन के बीच रूस ने जंग के मैदान में फ्लेम थ्रोवर भी उतार दिया है, जो दुश्मन के खात्मे के लिए सबसे घातक हथियार है। हालांकि यूक्रेन भी सरेंडर करने के मूड में नहीं है, वो खेरसान की तरह ही क्रीमिया भी वापस लेने का दम भर रहा है। जिस ताकत की वजह से सुपर पावर रूस के आगे एक छोटा सा देश यूक्रेन इतने लंबे समय से टिका है, उसकी वजह दुनिया के सामने आई तो अब उस अमेरिकी हथियार को खरीदने की होड़ लग गई है। वो हथियार जो रूस से लड़ाई में यूक्रेन के लिए अब तक वरदान साबित हुआ है, हाईमार्स वो सिस्टम है जो काफी हल्का है और जिसमें ऐसे हथियार हैं जो पूरी सटीकता के साथ दुश्मन को तबाह कर सकते हैं। इस सिस्टम में ड्रोन के साथ जेवलिन एंटी टैंक रॉकेट्स, स्ट्रिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जो जीपीएस से लैस हैं और कई एडवांस्ड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स लगे हुए हैं। युद्ध के आगाज के बाद यूक्रेन के मुताबिक उसने अब तक एक भी हिमार्स नहीं खोया है, लेकिन रूस को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में हाई मोबिलिटी रॉकेट सिस्टम यानी हिमार्स की मांग अचानक बढ़ गई है। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने भी जंग के माहौल में प्रोडक्शन तेज किया तो अमेरिका की सरकार ने इसकी बिक्री धड़ाधड़ बढ़ा दी। अब लिथुआनिया ने $495 मिलियन में अमेरिका से 8 हिमार्स खरीदने का फैसला किया है। इससे पहले मई में पोलैंड ने हिमार्स की 500 यूनिट खरीदने की प्रक्रिया शुरू की थी। आलम ये है कि लॉकहीड मार्टिन पहले हर साल 60 लॉन्चर्स बनाती थी, लेकिन अब इनकी संख्या 96 तक जा पहुंची है। युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा अगर फायदा किसी को हुआ है तो वो अमेरिका की उस हथियार बनाने वाली लॉकहीड मार्टिन कंपनी को है, जिसका मुनाफा 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुका है। लिहाजा अब एक ऐसी स्थिति है कि अगर दो देश आपस में झगड़ा कर रहे हो तो अमेरिका उन्हें जाके समझाता है, और जब अमेरिका समझाता है तब उनमें मारपीट शुरू होती है। ये स्थिति आ गई है दुनिया में। जाहिर है युद्ध के माहौल में कारोबारी फायदा उठाने की ये जुगत कितनी जायज है, ये बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन हकीकत तो यही है कि रूस और यूक्रेन की जंग खत्म होने की बजाय दिन ब दिन और उग्र होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। जंग में तबाही मची है, वार पलटवार का सिलसिला जारी है। एक तरफ रूस ने आक्रामक मोर्चा खोल रखा है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन जोरदार जवाबी कार्रवाई में जुटा है। तो क्या इस जवाबी कार्रवाई से महाजंग में पुतिन को पावर पंच मिल रहा है? इस बारे में आगे हम आपको बताएंगे। पहले आपको बताते हैं S-125 मिसाइल के बारे में। जमीन पर मार करने के लिए पहचानी जाती है मिसाइल, सर्फेस टू एयर मिसाइल से लैस है, एंटी शिप मिसाइल क्षमता से भी ये लैस है, यानी जमीन के साथ जल में भी तबाही मचा सकता है। दो तरह के मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें V-600 और V-601 मिसाइल का इस्तेमाल होता है। तो ये हम आपको बता रहे हैं S-125 मिसाइल सिस्टम की खासियत क्या कुछ है। V-600, V-601 मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। अब तक देखिए आप S-125 मिसाइल के बारे में जान रहे थे, और अब हम आपको S-125 मिसाइल सिस्टम की खासियत आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। तो वार पलटवार लगातार हो रहा है यूक्रेन और रूस की तरफ से। रूस एक कदम उठाता है तो यूक्रेन उसका जवाबी पलटवार करता है, और ऐसे कई देश हैं जो रूस का भी समर्थन कर रहे हैं और साथ ही यूक्रेन को भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। अब तक आप 125 पेसोरा मिसाइल सिस्टम की खासियत को पूरी तरह से जान गए हैं। यह जंग के मैदान का बड़ा योद्धा कहा जाता है। रण क्षेत्र में इसकी ताकत का ही कमाल है कि इसे स्टेल्थ किलर भी कहा जाता है। क्यों इसका यह नाम दिया गया, आप रिपोर्ट देखिए।
कहीं आसमान से गिराए जा रहे हैं बम, कहीं जमीन से दागे जा रहे हैं दनादन रॉकेट। रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में अब तक गोला बारूद, रॉकेट से लेकर ड्रोन तक हथियारों के इस्तेमाल की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन अब यह जंग महाविनाशक हथियारों की ओर बढ़ रही है। इस युद्ध ने दुनिया के शक्तिशाली देशों को ऐसे हथियार तैयार करने को मजबूर कर दिए हैं जो बेहद विध्वंसक साबित होने वाले हैं। देशों के बीच लड़ाई जमीन से लेकर समंदर तक लड़ी जा रही है। इसी लड़ाई में अब एक और योद्धा की एंट्री हो गई है। रूस को तबाह करने के लिए यूक्रेन ने महाविनाश का नया प्लान बनाया है। इसी प्लान के तहत यूक्रेन ने अब S-125 पेसोरा मिसाइल सिस्टम की तैनाती की है। सोवियत एरा का यह मिसाइल सिस्टम अपनी ताकत और मारक क्षमता के लिए रण के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान रखता है। यूक्रेनी सोशल मीडिया पर इस मिसाइल सिस्टम को लेकर खूब चर्चा हो रही है। S-125 पेसोरा मिसाइल सिस्टम बॉम्बर्स, फाइटर बॉम्बर्स और क्रूज मिसाइल को मार गिराने के लिए जाना जाता है। S-125 पेसोरा मिसाइल करीब 60 साल पुराना मिसाइल सिस्टम है, लेकिन इसकी ताकत देखते हुए यूक्रेन अब इसे तैनात करने पर मजबूर हो गया है। कहा जाता है कि 1999 में हुई युगोस्लाविया वॉर के दौरान इसी मिसाइल सिस्टम से दुनिया का पहला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट F-117A नाइटहॉक को मार गिराया गया था। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि S-125 पेसोरा मिसाइल सिस्टम में बेहद ताकतवर मिसाइलें लगती हैं, जिसके जरिए जमीन से जमीन पर मार की जा सकती है। साथ ही साथ एंटी शिप मिसाइल के जरिए युद्ध पोतों को भी मार गिराया जा सकता है। यूक्रेन ने इस मिसाइल सिस्टम को कई साल पहले अपग्रेड कर लिया था और इसे सितंबर के महीने में फिर से कमीशन किया गया। इसी के बाद अब यूक्रेन ने S-125 पेसोरा मिसाइल सिस्टम को डिप्लॉय कर दिया है ताकि रूस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। दरअसल कुछ दिन पहले ही ब्लैक सी में यूक्रेन ने ताबड़तोड़ प्रहार कर बारूदी बवंडर लाया था, एक ऐसा बवंडर जिससे महाबली रूस को भारी नुकसान पहुंचा था। यूक्रेन की इस तबाही के सामने रूस के जंगी जहाज और डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गए थे। दरअसल इस हमले को USV के जरिए अंजाम दिया गया था। USV के उसी जोरदार अटैक को देखते हुए यूक्रेन दुनिया की पहली नेवल ड्रोन फ्लीट बनाने की तैयारी में जुट गया है। महाजंग के बीच ब्लैक सी में जोरदार हमला होता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। अचानक से रूसी नेवी फ्लीट पर यूक्रेन अटैक करता है और अफरा तफरी मच जाती है। ना रूसी डिफेंस सिस्टम काम आता है, ना ही रूस के साजो सामान। सांसें थाम कर इन तस्वीरों को देख लीजिए। जोरदार जंग की ये ऐसी तस्वीर है जिस पर पहली नजर में यकीन करना मुश्किल है। आसमान से अचानक से तबाही की गोलाबारी होती है और देखते ही देखते ब्लैक सी में हड़कंप मच जाता है। ये तस्वीर ठीक उसी वक्त की है जब ब्लैक सी में रूस के जंगी बेड़े पर यूक्रेन की ओर से जोरदार हमला किया गया। जिस समंदर में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था, उसी समंदर में बम बारूद के विस्फोट होते नजर आए। इन तस्वीरों को देख लीजिए, रूह कांप जाएगी। आसमान से तबाही के सामान बरस रहे हैं। देखते ही देखते विशाल समुद्र में बम बारूद की ऐसी बारिश होती है कि देखने वालों के होश बाख्ता हो जाएं। यूक्रेनी ड्रोन ने बैक टू बैक रूसी फ्लीट पर जोरदार हमले किए और हाहाकार मचा दिया। जानकारी मिली है कि यूक्रेन ने इस हमले के लिए यूएसवी का इस्तेमाल किया। जरा गौर से देखिए इस वीडियो को, इसमें यूएसवी से जोरदार हमला किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये वही यूएसवी है जिससे रूसी वॉरशिप मकारोव तबाह हुआ था।
और ये उसी अटैक की हैरान कर देने वाली तस्वीर है। यूएसवी के जरिए रूसी वॉरशिप मकारोव के अलावा मोटरबोट्स और हेलीकॉप्टर को भी निशाना बनाया गया। दावा किया गया है कि यूक्रेन को इस तरह की खतरनाक यूएसवी अमेरिका से मिली थी और ये यूक्रेनी कोस्टल एरिया को सुरक्षित बनाने के लिए दिया गया था। जंग में मिली इस कामयाबी को देखते हुए अब यूक्रेन ने दुनिया की पहली नेवल ड्रोन फ्लीट बनाने का फैसला कर लिया है। यूक्रेन जानता है कि जंग में रूस को हराना है तो उसे ऐसे ही यूएसवीज की जरूरत पड़ेगी, लिहाजा इस यूएसवी के लिए यूक्रेन क्राउड फंडिंग पर जोर दे रहा है। इसका बाकायदा फंड रेजिंग वेबसाइट यूनाइटेड 24 पर यूक्रेनी सरकार की ओर से पूरी जानकारी भी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया ये सोचकर खौफ में है कि व्लादिमीर पुतिन का वार कितना खतरनाक होगा। क्या पुतिन यूक्रेन के ऊपर एटम बम गिराएंगे? क्या पुतिन 9 महीने से चल रहे महायुद्ध का दी एंड परमाणु हमले से ही करेंगे? बैलिस्टिक मिसाइलों पर एटमी वॉरहेड लग चुके हैं। मिसाइलों के टारगेट सेट कर निशाना लॉक है। बस इंतजार है क्रेमलिन से प्रेसिडेंट पुतिन के सिग्नल का। और यह इंतजार किसी भी वक्त खत्म हो सकता है। दुनिया 77 साल बाद हिरोशिमा और नागासाकी वाली तबाही देखने वाली है। पिछले करीब 9 महीने से जारी रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अब पुतिन का पेशेंस जवाब देने लगा है। वो अब इस महाजंग में एटमी हथियारों का इस्तेमाल ठीक उसी तरह खत्म करना चाहते हैं जैसे हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम गिराने के बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था। खुद प्रेसिडेंट पुतिन ने यह बात कबूली है। यूरोप की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से पुतिन की फोन पर हुई बातचीत में रूसी राष्ट्रपति ने कहा है कि जंग जीतने के लिए आपको प्रमुख शहरों पर परमाणु हमले करने की जरूरत नहीं होती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा और नागासाकी इसका उदाहरण है। यूरोप की मीडिया का दावा है कि पुतिन की जुबा से हिरोशिमा और नागासाकी की बात सुनते ही फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रो शॉक्ड हो गए। मैक्रो ने पुतिन से बातचीत के बाद कहा कि यह बहुत बड़े संकेत की तरह लग रहा है। पुतिन अपने न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कीव पर न करके यूक्रेन के दूसरे शहरों पर कर सकते हैं। पुतिन साहब का मैक्रोन को यह बताना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर यूएसए ने न्यूक्लियर बॉम्ब बरसाए थे तो उसका एक मिलिट्री लेसन है कि वॉर को जीतने के लिए मेजर टाउन्स को टारगेट करने की जरूरत नहीं है न्यूक्लियर सिनेरियो में। और हो सकता है पुतिन साहब का जो ध्यान है अब जो है ईस्ट ऑफ यूक्रेन पर जाए, इस किस्म का अगर अटैक प्लान कर रहे हैं कीव को एक किनारे छोड़ते हुए। अब सवाल है कि अगर पुतिन यूक्रेन पर एटमी प्रहार करते हैं तो यूक्रेन के वो शहर कौन हैं जो 21वीं सदी के हिरोशिमा नागासाकी बनेंगे? बताएंगे आगे, लेकिन पहले ये समझिए कि आज से 77 साल पहले हिरोशिमा और नागासाकी में क्या हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने चरम पर था। अमेरिका ने ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया जिसकी उम्मीद दुनिया के किसी भी मुल्क ने नहीं की थी, क्योंकि इस वेपन का इस्तेमाल अब तक नहीं हुआ था। तारीख थी 6 अगस्त 1945। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर एटम बम से अटैक किया।
इसके तीन दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के ही नागासाकी पर एटम बम गिरे। हिरोशिमा नागासाकी के एटमी अटैक में 2.25 लाख लोगों की तत्काल मौत हो गई। इसके बाद जापान ने 15 अगस्त 1945 को अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया और इसी हमले के साथ सेकंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हुआ था। दरअसल इस साल 24 फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया होगा तब व्लादिमीर पुतिन की यही उम्मीद रही होगी कि जल्द ही यूक्रेन रूस की फौज के सामने घुटने टेक देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जंग महाजंग में तब्दील हो गई। 9 महीने बाद ना पुतिन की जीत हुई है ना ज़ेलेंस्की की हार। ये जंग कब तक जारी रहेगी ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हर दिन पुतिन की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। लगता है कि बौखलाए हुए पुतिन अब एक ऐसा कदम उठाना चाहते हैं जिसकी वजह से अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दी एंड करवाया था।